एडीजी जोन अखिल कुमार ने दिवाली पर्व पर जोन के सभी नागरिकों को शुभकामना दी है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि दिवाली पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना दी तथा सभी लोग दिवाली को शांतिपूर्वक मनाएं और पटाखा जलाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान दें, ग्रीन पटाखों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, सभी लोग हंसी व खुशी से पर्व को मनाएं। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दिवाली पर्व पर कहा कि दिवाली का पर्व सुख समृद्धि का पर्व है, यह एक भाईचारे का पर्व है, लोग दिवाली पर दीप जलाकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामना देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने दिवाली को देखते हुए 10 लाख बेरोजगार को रोजगार मेला के तहत नौकरी देने का काम किया है। दिवाली पर लोग पटाखे को जलाते समय अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर व जनपद वासियों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। एमएलसी सीपी चंद ने कहा कि दिवाली आस्था व विश्वास का पर्व है, इसलिए सभी लोगों को शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ दिवाली को मनाएं। जो जरूरतमंद है उनकी सहायता की जाए, जिससे कि उनकी भी दिवाली बेहतर हो सके। पूरे प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। वहीं इस संबंध में सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिवाली दीपोत्सव का पर्व है, सावधानी से पटाखे जलाएं और पटाखे एक बार नहीं बजते हैं तो उनको दोबारा जलाने का प्रयास ना करें। खुले स्थान पर ही आतिशबाजी करें, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। पटाखों को जलाते समय सूती कपड़े को पहने, बच्चों को पटाखों को जलाने के लिए अकेले ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि त्योहार को सकुशल संपन्न करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी सीपी चंद और मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा। दिवाली का पर्व क्या शुभकामनाएं? सभी लोगों को दिवाली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि दिवाली के पर्व पे अच्छे ढंग से इसको मनाएं, सुरक्षित ढंग से मनाएं। खास करके पटाखों के प्रयोग में अपने को सुरक्षित रखें, ग्रीन पटाखों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और हंसी खुशी से सब मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया जाए। देखिए, दीपावली का पर्व सभी लोगों के लिए एक तो धन समृद्धि का पर्व लोग मान करके चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक भाईचारे का भी संबंध है। दीपोत्सव में सभी लोग दीप जला करके एक दूसरे को ऊर्जावान बनाते हैं। अभी मैं इसके लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी इसी दीपावली के पर्व पर 10 लाख लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया है, रोजगार में मेला के अंतर्गत। मैं गोरखपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश के लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। खूब अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन शरीर को सुरक्षित रख करके मनाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रख करके मनाएं, पटाखे इत्यादि जलाने से परहेज करें और दीपोत्सव को और अधिक उज्ज्वल करें। यही मेरी शुभकामना पूरे देशवासियों को है, प्रदेश के और नगरवासियों को भी है। आज के अवसर पर मैं गोरखपुर नगरवासियों को, गोरखपुर क्षेत्र के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को धनतेरस के पावन अवसर पर बधाई देता हूं। दीपावली के पूर्व सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि सबका सबके लिए दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो। देखिए, दिवाली जो है वो इतना पावन पर्व है कि इसकी पवित्रता और इसकी शुद्धता जो है वो आस्था और विश्वास पे निर्भर है, और इसके लिए हमको शांतिपूर्वक उल्लास से, सबके सहयोग से, सबका सहयोग करते हुए इस पर्व को मनाएं। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता की जाए और इस पर्व में सबको शामिल किया जाए, सबको खुशी का मौका दिया जाए। पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सबको इस पवित्र पावन पर्व की असीम बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए, ये हमारा इतना पुरातन और सनातन धर्म है, हमारी आस्था है कि मुश्किलें बहुत आती हैं,
लेकिन हमारा ये जो आस्था है हमारे, हमारा जो विश्वास है, वो सारी चुनौतियों से हमको पार ले जाता है और ये त्यौहार जो है हमको फिर से जीवन जीने के लिए एक उमंग से भर देते हैं। पर्व पे ये खुशहाली का त्यौहार है, दीपोत्सव करें, आतिशबाजी करें, ब्रांडेड पटाखे छोड़ाएँ, सावधानी से आतिशबाजी करें, बड़ों के साथ करें, जो पटाखे एक बार नहीं बजते हैं उनको दोबारा जलाने का प्रयास न करें, पटाखा खुले और सुरक्षित स्थान पे ही आतिशबाजी करें और सूती कपड़े पहने, कॉटन कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहने, बच्चों को अकेला आतिशबाजी करने के लिए न छोड़ें, बड़े लोग साथ में रहें और वहाँ पर सावधानी के लिए 2 बाल्टी पानी और मग्गे भी रखें, इस तरह से सावधानी पूर्वक मनाएं और हमारे सभी गोरखपुरवासियों को शुभ दिवाली के शुभकामनाएं हैं और हर्षोल्लास से पर्व अच्छे से खुशी से संपन्न कराएं और उम्मीद है पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर सर्विस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो हर साल की भांति इस साल भी यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। थैंक यू।